आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ फोटोशॉप्स के तीन टूल हैं कटिंग के लिए। नंबर वन स्टार्टिंग में आता है लासो, नंबर टू आता है पॉलीगोलन लासो टूल, नंबर थ्री आता है मैग्नेटिक लासो टूल। पॉलीगोलन लासो और लासो टूल और मैग्नेटिक तीनों कटिंग के लिए होता है। ये कटिंग टूल होते हैं, मतलब फोटोज़ की कटिंग करने के लिए बने होते हैं। देन उसका प्रॉपर्टी बार भी साथ में चल के आता है। तो पहले लासो टूल देखते हैं। तो लासो टूल को कैसे यूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे लासो वाले पे, और ये फ्री एंड होता है। इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि क्लिक करते चले जाओ। जैसे हम एक कटिंग करके देखते हैं, ऐसे हमने चलाते हुए माउस को हमें रोकना नहीं है, बस चलते चले जाना है। ये फ्री एंड है, जहाँ पे अगर ये कट हुआ तो कट हो जाएगा। वो गलत फ़ोटो कट गई तो उसको रिमूव नहीं कर सकते, पीछे नहीं जा सकते। जल्दी दिख रहा है ना, इसमें छोड़ नहीं रहा हूँ मैं कर्सर, चलता चला जा रहा है। बस जहाँ से पॉइंट चालू हुआ था उस पर आगे लाके छोड़ दो, दैट मीन्स वो सिलेक्शन में आ जाएगा। सिलेक्शन में आने के बाद अब क्या करना है, एक पेपर ले लेते हैं कंट्रोल एन से, और एक पेपर पे ओके कर लेते हैं। और इस फ़ोटो को मूव टूल से तो मूव करना जानते हो, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बड़ा फ़ोटो के लिए बड़ा फ़ोटो लेता हूँ, यानी कि बड़ा पेपर 10x8 का पेपर ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। मूव टूल लेते हैं जो वी से भी ले सकते हैं, और इसको मूव करके लेके आते हैं। अब ये जो तुम्हारा कटिंग है, जो तुमने ये कटिंग करी है, ध्यान से देखना इसको, ऐसे करके एंटर। ये किस टूल से करी है, ये लासो से है, क्योंकि फ्री एंड है, उसको कटिंग में शार्पिंग आती नहीं है। और जैसा जैसा मेरा हाथ चलता है वैसे वैसे वो कटिंग में भी जाता है। अगर गलत हो गया तो गलत ही कटेगा, ये बात सच है इसके अंदर। दूसरी चीज़, इसके अंदर अगर हम सिलेक्शन पहले हटा दें, सिलेक्शन पहले हटाएँ तो कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटाना पड़ेगा। उसके बाद टूल का दूसरा जो है वो पॉलीगोलन, वो कैसे कटिंग करेगा, उसके अंदर अच्छी चीज़ है। मैं देखो दूसरी फ़ोटो के ऊपर लेके आता हूँ, ये आया दूसरे पे, ये फ़ोटो की दूसरी कटिंग है। अब हम लेके आते हैं पॉलीगोलन लासो टूल, इसके अंदर कैसे करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले, और अब चलाएंगे। देखो फोटो जब जूम हो जाती है तो यहाँ पे स्पेस बार जो पीछे नीचे होता है कीबोर्ड में, इसके कंट्रोल होता है, ऐसे करके स्पेस बार दबाए रखना पड़ता है, और फ़ोटो को ऊपर नीचे करने के लिए ये माउस को खींचना पड़ता है ऐसे करके। तो अब ये फ़ोटो ऊपर नीचे कंट्रोल होगा। अब हम कटिंग चालू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, पॉलीगोलन जब चालू होगा तो उसमें क्लिक करने पड़ते हैं, हर बार क्लिक कर करके हम जाते हैं, तो क्लिक कर करके सिलेक्शन होता है। ध्यान रखो कि अगर इसमें हमने ज़्यादा टाइमिंग दे दी, अप्रोक्सीमेट हमने 10 सेकेंड से भी पहले ज़्यादा दे दी, जैसे हम करके दिखाता हूँ, मैं क्लिक करना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लिक बॉडी पार्ट वैसे ही कटेगा जैसा उसके कटिंग में आना चाहिए। अब जैसे तुम रुक गए यहाँ कटिंग करते वक्त नेक भी रुके तो कंप्यूटर के क्या है, फोटोशॉप में दिक्कत आती है, वो अपने आप ही सिलेक्शन ले लेता है। फिर बच्चे कहते हैं कि सिलेक्शन बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे फ़ोटो के अंदर घुस गए, अब गलती से गए हैं, हमने तो क्लिक किया नहीं, गलती से चले गए, तो अगर हटाना है मुझे तो बैक स्पेस का बटन होता है कीबोर्ड में, से उससे हटा दो। अब देखो मैंने 5 सेकेंड 6 सेकेंड भी नहीं लगे होंगे, पर ये रुक गया और अपने आप क्या कर लिया इसने, सिलेक्शन कर लिया। तो वो नहीं करने देना है, पहले कंट्रोल डी करते हैं, दोबारा से चलेंगे, और जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी, मतलब क्लिक जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, रुकना नहीं है इसके अंदर। रुक गए तो वो सिलेक्शन जल्दी ले लेगा, और अगर गलती से अंदर जा रहे हो तो बैक स्पेस तुरंत फटाक से दबाओ, बैक स्पेस पीछे लेके जाता है, जो गलतियां सुधारने का काम करता है। इसमें जल्दी जल्दी ये चीज लेते जाओ।
फोटो कटिंग तैयार हो गई पॉलीथिलीन टूल से। अब हम क्या करेंगे, वही मूव टूल से लेके जाएंगे पेपर के पास या फिर किसी बैकग्राउंड के पास। हम इस पेपर पे ले लेते हैं फिलहाल, तो उठाया ये ले गए, इसको छोड़ दिया। ये आपका पॉलीग्लिन की कटिंग है जिसके अंदर अच्छी तरीके से कटिंग हो रही है, धीरे धीरे कर रहे हैं इसमें। और इसमें ये फ्री हैंड नहीं है, ये तो अपने कंट्रोल पे भाई, जैसे ऐसे फ़ोटो को बनाओगे वैसे वैसे बनती चली जाएगी कटिंग के लिए। और सबसे अच्छा मुझे पॉलीग्लिन ही लगता है कटिंग के टूल में। देन एक और टूल यूज़ कर लेते हैं, इसकी कटिंग करते वक्त कंट्रोल डी दबाते हैं दोबारा से, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। अब इसके बाद सबसे लास्ट वाले टूल पर जाते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब है जो चुंबक होती है ना, चिपकती है, तो ऐसे ही वो है। अगर हम क्लिक करेंगे तो हम बस माउस चलाना है हमें और अपने आप चिपकता चला जाएगा फ़ोटो से। कभी कभी कलर के संग में, जैसे अभी टी शर्ट इसकी है वो कलर मैच हो रहा है तो वो अपने आप कलर ले लेता है, तो दिक्कत आती है। इसलिए पहले बैक स्पेस दबा लेते हैं और हमें क्लिक कर करके बीच बीच में अगर कहीं दिक्कत भी आती है तो क्लिक कर लेना, बस अंदर ना घुस जाए। देखो अंदर घुस गया, दिक्कत आएगी इसको। देखो ये इसको कलर मिल रहा है बीच में से, तो वो अंदर जा कर के मर्ज हो जाता है। अब चलाओ उसको, जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ इसका प्रॉब्लमेटिक। 50% फेदर लगा रखा है ना ऊपर, देखो ध्यान से ऊपर फेदर लगा रखा है, इसीलिए दिक्कत आ गई बीच में। दोबारा चलो बीच में, फिर टी शर्ट सेलेक्ट हो गई इसकी, ये गए, ये देखो ये कान, देखो उसको बेचारे का इतनी जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले रहा है ये। मैग्नेटिक इतना जल्दी जल्दी भाग रहा है, ओ माय गॉड, उसकी चांद भी कट गई, ओ तुम्हारी। ऐसे ऐसे भी हो जाता है, कंट्रोल ऑल जेड, बेचारे की कटिंग करने में भी बहुत दिक्कत हुई। देखो मैग्नेटिक इतनी फास्ट है, ऊपर दी हुई है ना ये फ्रिक्वेंसी, देन एज प्रेशर ये दिए हैं विड, और ये 10%, ये तो बाय डिफॉल्ट लगी है, फ्रिक्वेंसी 57 ही लगी रहती है। बट ये क्या है, इसके अंदर जैसे हम कटिंग कर रहे हैं तो इसमें ऐसे घुस जाता है, इतने हिस्सा लेना है मुझे, जल्दी जल्दी पकड़ रहा है चुंबक की तरह। बस दिक्कत क्या है इसके अंदर, कि जहाँ इसको अपने जैसा कलर दिखता है वहाँ ये चिपक जाता है। अब जैसे ब्लैक है तो बेचारा मैं यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करूँगा, जहाँ जहाँ इसे ब्लैक दिखेगा तो वहाँ तो चिपक जाएगा ये मैंने बाल काट देता हूँ इसके। और ये गए, अब इसके ब्रेक कान भी घुस गए। और जब इसमें डबल क्लिक करना होता है तो इसमें कंट्रोल एंटर काम करता है, जो कंट्रोल एंटर करके भी कर सकते थे और ये अपने आप भी सेलेक्ट कर रहा है। ये बस कटिंग में दिक्कत आएगी तुम लोगों को, कि कटिंग करते वक्त कौन सा टूल अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से पॉलीग्लिन सबसे बेटर रहेगा, ना कटिंग में ज़्यादा भागता है, बस सिलेक्शन करते वक्त क्लिक करते चले जाओ फट 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 करके। एक चीज़ और फेदर के साथ मैं बताता हूँ, पहले फेदर भी बताया था मैंने, देखो इसमें फेदर दिखाता हूँ कैसे काम करता है। जैसे एग्जांपल हमने कटिंग करी, तो कटिंग करने से तो वो चीज़ एरिया ले लेता है। जैसे मैं लेके दिखाता हूँ तुम्हें, ये राधा कृष्ण की फ़ोटो है, ये गए, इसको हमने लासो से काट रहे हैं ना, लासो वाले से, और इसको सिलेक्शन करते हैं, देन इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये गए एरिया कटिंग में दिया ऐसे करके, और ये एरिया दे दिया, सिलेक्शन हो गया। अब क्या करना है, फेदर लगाना है, फेदर का ऊपर वो दिया हुआ एरिया पर, फेदर बिफोर तो लगाना था नहीं लगा पाए, तो अब आफ्टर लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे आफ्टर में, क्या शॉर्टकट किए, कंट्रोल ऑल्ट डी, कंट्रोल ऑल्ट डी पे आ गए, फेदर लगा दिया 10 और एंटर कर दिया। देन यहाँ से किया कॉपी और दूसरे पेज पे आके क्या कर लिया, पेस्ट। और देखो फेदर ने कितना अच्छा उसको रिप्रेजेंट किया होगा, जो ब्लरनेस होगी ना वो भी आई होगी साथ में। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ब्लरनेस साथ में ही होगी कटिंग में, जैसे वो लासो दिख रहा है बगल में, ये संजी का फोटो बचपन वाला, ये देख इसमें ही नुकीलापन दिख रहा है, पर इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि इसमें धुंधला धुंधलापन आ रहा है बीच बीच में, क्योंकि फेदर लगा हुआ है ना। अब फेदर हम बाकायदा 12, 15, 25 देते तो और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंस हो पाता, क्योंकि वो ब्लर हो जाता है उसमें और लगता नहीं है नुकीलापन है। पर इसमें देखना लासो में, जब मैंने कटिंग करी थी शुरुआत में तो इसमें तो फेदर था ही नहीं, जीरो था, तो इसमें तो पता चल रहा है कि ये फ़ोटो अच्छी तरीके से कट नहीं हो पाई है। ऐसी कभी कभार किसी बैकग्राउंड में लेके देखें, जैसे एग्जांपल हम देखें बैकग्राउंड इमेजेस, सबसे पहले बैकग्राउंड कोई डाउनलोड कर लो, जैसे हमने ये किया, इस पर राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लिया। अब हमने ये किया, इस पर सेव कर लिया,
देन इस बैकग्राउंड को लेके आते हैं फोटोशॉप में, और इस फोटोशॉप के ऊपर ये वाला राधा कृष्ण का फोटो लेके आते हैं, या फिर इस किसी का पर्सन का, ये लेके आएंगे इसमें। कंट्रोल डी, दोबारा से गए लाशों के पास और इसको जल्दी से एकदम बढ़िया तरीके से पास पास से जल्दी से काट लिया। बस ध्यान रहे फैदर में एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे बता देता हूँ कि जैसे हम लोग फ़ोटो काट रहे हैं, फैदर में हमने कुछ ज़्यादा दे दिया तो ऊपर की तरफ फ़ोटो ख़त्म है, यहाँ से फ़ोटो ख़त्म है। तो अगर हम फैदर ज़्यादा देते हैं तो वो फैदर क्या होता है, बाहर तक फैलने का काम है, तो बाहर तो कुछ है ही नहीं इस फ़ोटो के, यहाँ तो कट गया ना फ़ोटो, तो इसके बाहर जो है जो वाइट वाइट आ जाएगा तुम्हारे फ़ोटो में, अगर तुमने फैदर ज़्यादा दिया तो फैदर कम ही दो, लिमिट में 10-15 ऐसे करके दे दो। वन सेकेंड, क्लिक नहीं छोड़ना, क्लिक छूट गया तो इसमें ये काम ख़राब कर देगा। इसमें कंट्रोल ऑल्ट डी फैदर दबा देते हैं 15, कंट्रोल सी, और आप बैकग्राउंड के पास लेके जाते हैं। इसको आप छोटा कर लो ऑल्ट शिफ्ट के साथ, थोड़ा सा ब्लरनेस, और देखो उसमें मर्ज हो जाएगा फ़ोटो, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं चल रहा है कटिंग कैसे करी है, तो यहाँ मर्जिंग देख रहा है वो, यहाँ पे फैदर के साथ देख रहा है, ये है। इसी प्रकार से ये है, अभी ये फ़ोटो था एक, एक ये ले लेते हैं लासो से, ओ शिट, इसको दोबारा लेते हैं। कंट्रोल ऑल डी एंटर, कंट्रोल सी, कहाँ गया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड गिरा, कंट्रोल वी, ये मर्जिंग हो गई, फोटोज़ की मर्जिंग है। ऐसे ही लेयर्स के लिए भी देख लो, लेयर में भी प्रॉब्लम आती है तो कभी कभी। यहाँ देखो लेयर अभी यहाँ पे 1 वाली नीचे है, 2 वाली ऊपर है, तो हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे एग्जांपल ये लेयर हमें आगे लेनी है, हमने एक लेयर ले ली यहाँ पे ऐसे करके, अब हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ये लेयर आगे नहीं है, ये लेयर तो पीछे है, क्योंकि ये लेयर नंबर 1 है और ये लेयर आगे है, ये लेयर नंबर 2 है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये लेयर तो ऊपर हो जाए और ये लेयर नीचे हो जाए, यानी कि ये किशन जी की फ़ोटो है वो पीछे चली जाए और इधर राधा कृष्ण की आगे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसका लेयर नंबर 1 को पकड़ेंगे माउस से, पकड़े 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 इसको ऊपर तरफ छोड़ देंगे लेयर नंबर 2 पे, लेयर नंबर 2 अब नीचे आ जाएगी, देखना अब वो फ़ोटो आगे आएगी और किशन जी की फ़ोटो पीछे चलेगी। इस प्रकार से ऐसे हम लोग यहाँ से कंट्रोल करते हैं लेयरों को, कि अगर वो आगे पीछे होती हैं तो ठीक है। तो लेयर वगैरह को देख लो यहाँ से, अब देखो यहाँ से हम चाहते हैं कि लेयर नंबर 1 पीछे चली जाए, तो इसको पकड़ा ऊपर की तरफ छोड़ दिया, लेयर कंट्रोल कर सकते हैं कौन सी लेयर कहाँ रखनी है। तो 2-4 लेयरों के साथ में भी मर्जिंग करना सीखो। देन उसके बाद यहाँ पे जो कटिंग करते हैं लासो पॉलीग्लन मैग्नेट में, सबसे अच्छा कौन सा है वो अपने हिसाब से देखो। लासो तो फ्री हैंड होता है, वो तो कैसे भी कटिंग कर सकता है, पॉलीग्लन पे क्लिक क्लिक चलता है, क्लिक क्लिक करके बाद, और मैग्नेटिक में चुंबक, यानी कि चिपकता है वो अपने आप ही। तो सबसे अच्छा कटिंग को किसी आराम से करनी है ना, तो पॉलीग्लन से करो, आराम आराम से धीरे धीरे करते जाओ, और फिर उसके बाद फैदर देना है तो फैदर दो, नहीं देना है तो मत दो। देन उसके बाद कटिंग के बाद यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे मैंने जो टॉपिक बताया था पहले, ये वाला ऐड न्यू ऐड सिलेक्शन सब्ट्रैक्शन इंटरसेक्ट वाला, तो वो तुम्हारा थोड़ा सा हेल्प यहाँ करेगा। जैसे एग्जांपल हम फ़ोटो की कटिंग कर रहे हैं, हम लेके आते हैं दूसरा फ़ोटो, एक फ़ोटो ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। अब इसमें हम कटिंग कर रहे थे, हमने इतना एरिया काट लिया, मान लो इतना एरिया हमने काट लिया ये, और यहाँ से ये डायरेक्ट सिलेक्शन में चला गया, मुझे नहीं पता ऐसा सेलेक्ट हो गया, जल्दी जल्दी में सेलेक्ट हो गया और ये अपने आप सिलेक्शन में चला गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए हम जाएंगे ऊपर, इस बटन के बगल में जस्ट मिलेगा यहाँ पे ऐड सिलेक्शन, यानी कि जोड़ना, तो हम इसका काम लेंगे। सबसे पहले हम उसके पास जाएंगे यहाँ पे लेयर के साथ में, ये पहले थोड़ा सा जूम कम कर दूँ, इसको हटा देता हूँ अभी, जहाँ पे ये कोना टूट रहा है ना उस कोने पे क्लिक करेंगे, इस कोने पे क्लिक कर लिया मैंने। अब मैं अपना काम चालू करता हूँ दोबारा से, ये गए इसमें,
यहीं से काम चालू करो। बैक स्पेस नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे कोना मिला कि नहीं मिला? हाँ अब मिल गया। देन नीचे की तरफ वापस वहीं पे, आ गया। ये मैंने सिलेक्शन नहीं कर पाया, पहले हो गया ये। देखो ये एरिया मेरा मिल नहीं पाया तो उससे पहले सिलेक्शन ले गया। यहाँ पे दिक्कत आई, यहाँ पे इस एरिया पे, क्योंकि मैं कोने पे क्लिक करने जा रहा था, अपने आप सिलेक्शन ले लिया इसने इतने हिस्से में। हमारा जो एरिया कवर अप किया इसने, ऐड करने का कोशिश ही तो किया है, क्योंकि हम ऐड ही तो कर रहे थे। अब हम क्लिक करने जा रहे थे उससे पहले सिलेक्शन ले लिया। ऐसे हम ऐड के सिलेक्शन को क्लिक कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी इस पर। हम ऐड के एयर लेयर पर चढ़ा दें तो यहाँ पे एरिया कट रहा है, ये देखो ये अपने आप ले लेता है, इतना एरिया इसने अपने आप ले लिया। फिर दोबारा से लासो से करके देख लो, लासो पे तो पूरा ले जा रहा है वो सिलेक्शन। सबट्रैक्ट में उल्टा चलेगा, जैसे ये एरिया घटवाना है घट गया। ऐड में क्या होगा, जुड़ेगा, ये एरिया जोड़ दो, कटिंग में जुड़ गया, ये जुड़ने वाला हो गया। इंटरसेक्ट में क्या बताया था कि अगर कोई बीच में आया, ये कर देता हूँ यहाँ पर इतना एरिया, तो जो बीच में आया वो तो बचेगा, बाकी का जो सब गायब, तो इंटरसेक्ट बीच में चला जाएगा। और सबसे पहले नंबर पर कौन बैठा है, न्यू सिलेक्शन, जो बिल्कुल नए तरीके से होगा। हम कोई भी कटिंग करेंगे तो हर बार क्या होगी, नई कटिंग होगी, ये न्यू सिलेक्शन का काम है। तो ये तीनों टूलों में से तुम्हें कटिंग करनी है, उसके बाद समझना है कौन सा बेस्ट है, कैसे यूज़ करना चाहिए, बैक स्पेस कब दबाना है, क्योंकि वो जब गलती से अंदर कहीं फ़ोटो अंदर चला जाता है तो बैक स्पेस से सही करना होता है, स्पेस बार कब दबाना है, जब फ़ोटो में जूम हो जाए तो ऊपर नीचे करने के लिए स्पेस बार का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल जीरो फिर जूम फिट इन टू विंडो करते हैं। कटिंग करने के बाद जब कभी कोने से कोना मिलता है तो हम कंट्रोल एंटर दबा देते हैं, जिससे हम कंट्रोल एंटर से मेक द सिलेक्शन कर सकें।